हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स। मध्य प्रदेश के नंबर वन चैनल फॉर डेली करंट अफेयर की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 5 अगस्त 2019 और यह हमारी 208वीं क्लास है। 12 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम और आपके नॉलेज की दृष्टि से बहुत इंपोर्टेंट है। इन क्वेश्चन को आप नोट कर लें क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। साथ ही क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी हम आपको बताते हैं, तो वो भी आपको याद रखने हैं। दोस्तों, अगर आपको एमपीजी के और करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम जाती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपकी आंसर जरूर करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। हाल ही में किसने मिस इंग्लैंड का खिताब जीता है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है भाषा मुखर्जी। हाल ही में भाषा मुखर्जी ने मिस इंग्लैंड का खिताब जीता है। दोस्तों, ये भारतीय मूल की ब्रिटिश नागरिक हैं और इनकी उम्र मात्र 23 वर्ष है और इन्होंने 2019 में मिस इंग्लैंड का खिताब जीत लिया है। दोस्तों, अब ये मिस वर्ल्ड प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन में भाग ले सकेगी। तो आपको याद रखना है मिस इंग्लैंड बनी है भाषा मुखर्जी, जो भारतीय मूल की ब्रिटिश नागरिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत अर्थव्यवस्था के मामले में किस स्थान पर है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है 7वें स्थान पर। भारत अब अर्थव्यवस्था के मामले में विश्व में 7वें स्थान पर पहुंच गया है। दोस्तों, इससे पहले 2017 की रैंक में भारत जो है वह 5वें स्थान की यानी 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था था वर्ल्ड में, लेकिन इस हाल ही में जो रैंकिंग विश्व बैंक के द्वारा जारी की गई है उसमें कहा गया है कि भारत अब 7वें स्थान पर है अर्थव्यवस्था के मामले में वर्ल्ड रैंकिंग में। दोस्तों, आपको बता दें जो 5वें और 6ठे स्थान पर है, 5वें पर है ब्रिटेन और 6ठे स्थान पर है फ्रांस, तो फ्रांस के बाद भारत का नंबर आता है। दोस्तों, भारत 2.77 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बन गया है। दोस्तों, अब बात आई है वर्ल्ड बैंक की, तो आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट वर्ल्ड बैंक के बारे में बता दें। वर्ल्ड बैंक का मोटो होता है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। इसकी स्थापना जुलाई 1944 में की गई थी। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है और वर्ल्ड बैंक के मेंबर कंट्री हैं 189 कंट्री हैं मेंबर जो वर्ल्ड बैंक के हैं। दोस्तों, आपको बता दें प्रेसिडेंट है इसके डेविड मलप्स। तो आपको इतना वर्ल्ड बैंक के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में किसे आईजी प्लानिंग बनाया गया है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है योगेश चौधरी। हाल ही में योगेश चौधरी को मध्य प्रदेश में आईजी प्लानिंग का आईजी बनाया गया है। दोस्तों, आपको बता दें ये जो योगेश चौधरी हैं, इससे पहले ये लॉ एंड ऑर्डर में आईजी थे, इसके बाद इन्हें अब हाल ही में आईजी ऑफ प्लानिंग बनाया गया है और योगेश चौधरी 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। दोस्तों, स्क्रीन पर आपको कुछ और नाम दिख रहे होंगे, उनके बारे में बता दें आशुतोष राय। दोस्तों, इन्हें हाल ही में आईजी होशंगाबाद जोन का बनाया गया है। अवधेश गोस्वामी, दोस्तों इन्हें एसपी इंदौर में बनाया गया है, पुलिस अधीक्षक पश्चिम इंदौर का। वहीं दोस्तों बात करें सूरज वर्मा की, तो इन्हें हाल ही में पुलिस अधीक्षक इंदौर में पदस्थ किया गया है। तो आपको इतना इन चारों के बारे में याद जरूर रखना है। नेक्स्ट, किस शहर में नगरीय विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर का संस्थान बनाया जाएगा? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है भोपाल। भोपाल में नगरीय विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर का संस्थान बनाया जाएगा। दोस्तों, हाल ही में नगरीय विकास के ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक राष्ट्रीय स्तर का संस्थान बनाने की पेशकश की है। दोस्तों, 25 एकड़ जमीन पर यह राष्ट्रीय विकास यानी नगरीय विकास का संस्थान बनाया जाएगा। दोस्तों, हाल ही में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शहरी विकास संस्थान और शहरी विकास मंत्रालय की रूपरेखा गठित करने की समिति का प्रेजेंटेशन देखा है और इसे बनाने की मंजूरी प्रदान की है मुख्यमंत्री कमलनाथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में कहां 65वीं जिला स्तरीय इंटर स्कूल तीरंदाजी प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है भोपाल में।
हाल ही में भोपाल में 65वीं जिला स्तरीय इंटर स्कूल तीरंदाजी प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। दोस्तों इसमें हर जो डिस्ट्रिक्ट के हैं वो भाग ले रहे हैं बच्चे, तो आपको याद रखना है यह प्रतियोगिता भोपाल में आयोजित की जा रही है। दोस्तों अब बात आई है भोपाल की, तो कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट आपको भोपाल के बारे में बता दें। दोस्तों झीलों के शहर के नाम से भोपाल को जाना जाता है, मध्य प्रदेश की राजधानी भी भोपाल में ही है। दोस्तों आपको बता दें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भोपाल में ही स्थित है। भारत का हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड 1960 में ब्रिटेन की सहायता से बनवाया गया था। आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल में ही स्थित है। देश का प्रथम मॉडल ब्लड बैंक कारखाना मॉडल ब्लड बैंक भी भोपाल में ही बनाया गया है। विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र भी भोपाल में ही लगाया गया है। भारत भवन, जिसकी स्थापना 1982 में की गई थी, इसे चार्ल्स कोरिया द्वारा वास्तुकार किया गया था और यह है भोपाल में ही स्थित है। ताजुल मस्जिद, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद भोपाल में ही स्थित है। दोस्तों प्रदेश का पहला एनर्जी पार्क भी भोपाल में ही बनाया गया है। तो इतना आपको भोपाल के बारे में याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस जोड़ी ने अंडर 14 युगल खिताब जीता है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है पहल खराडकर और आयुषी रावल ने। हाल ही में पहल खराडकर और आयुषी रावल ने अंडर 14 युगल खिताब जीता है टेनिस का। दोस्तों आपको बता दें यह अंडर 14 युगल खिताब हरियाणा में आयोजित किया जा रहा था और यहां पर मध्य प्रदेश की पहल खराडकर और आयुषी रावल इन दोनों ने ही टेनिस का यह अंडर 14 युगल खिताब अपने नाम किया है। तो आपको इन दोनों के बारे में इतना याद रखना है और ये दोनों पहल खराडकर और आयुषी रावल मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने हमारे राष्ट्रपति को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है गिनी। हाल ही में गिनी देश ने हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा है गिनी के। दोस्तों भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को गिनी गणराज्य के सर्वोच्च सम्मान नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान भारत के गिनी के बीच विकास और संबंध को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया गया है। दोस्तों यह सम्मान गिनी के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाएगा, तो आपको याद रखना है। दोस्तों अब बात करते हैं गिनी के बारे में, तो आपको बता दें ये पश्चिमी अफ्रीकी एक देश है। इसे पहले फ्रेंच गिनी के नाम से जाना जाता था। 2 अक्टूबर 1958 को फ्रांस से स्वतंत्र होकर गिनी एक स्वतंत्र देश बना था। दोस्तों इसकी आधिकारिक भाषा फ्रेंच है और यहाँ के जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं वह है अल्फ्रा कांडे, जबकि इब्राहिम कस्सूरी फोफाना यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। तो आपको इतना गिनी के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट, तो हाल ही में किस मिशन की स्थापना की गई है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है काबिल मिशन की। हाल ही में काबिल मिशन की स्थापना की गई है। दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार और 3 सार्वजनिक कंपनियों की हिस्सेदारी के साथ काबिल, जिसे खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई है। दोस्तों इसका उद्देश्य देश में सामरिक रूप से महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। दोस्तों आपको बता दें ये 3 कंपनियां कौन कौन सी हैं, तो नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, जिसे नालको के नाम से हम जानते हैं, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड तथा मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी, जिसे हम MECL के नाम से जानते हैं। इस ज्वाइंट वेंचर के द्वारा लिथियम और कोबाल्ट जैसी खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। दोस्तों यह ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका में खनिज समृद्ध देशों के साथ साझेदारी निर्मित करने में सहायता प्रदान करेंगे। तो आपको याद रखना है काबिल मिशन के जरिए केंद्र सरकार ने 3 कंपनियों को साथ में लिया है और इनके जरिए खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड की स्थापना भी की गई है, जिसके द्वारा खनिजों की आपूर्ति की जाएगी भारत में। तो ये एक इम्पोर्टेंट मिशन है, आपको इसका नाम याद रखना है, इसका नाम है काबिल मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है 31। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में 31 न्यायाधीश हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन इसलिए ऐड किया गया है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने को मंजूरी प्रदान की है। दोस्तों मौजूदा समय में मुख्य न्यायाधीशों समेत 31 कुल न्यायाधीश हैं, अब यह संख्या बढ़कर 34 हो जाएगी, यानी सर्वोच्च न्यायालय में 3 पदों की अतिरिक्त यानी संख्या में वृद्धि की गई है और ये संख्या है 3, यानी अभी 31 हैं और बढ़कर 34 हो जाएंगे। दोस्तों इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम 1956 में संशोधन के लिए विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश दोस्तों आपको याद रखना है, इनका नाम है रंजन गोगोई। और आपको बता दें इन्हीं के साथ मिलकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की मांग की है। तो आपको इतना याद रखना है, सर्वोच्च न्यायालय में अब न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर हो जाएगी 34 यानी 34। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस भारतीय को रमन मैग्सेसे अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है रवीश कुमार। हाल ही में रवीश कुमार को रमन मैग्सेसे 2019 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में रमन मैग्सेसे अवार्ड 2019 की घोषणा की गई है। इसमें भारतीय पत्रकार रवीश कुमार का नाम भी शामिल है। इस वर्ष रमन मैग्सेसे अवार्ड 2019 के विजेताओं के नाम आपको बता दें, वो है पहला है को स्प्रे विन जो म्यांमार के हैं, नील पैजंती अंग खाना जो थाईलैंड से हैं, रवीश कुमार जो भारत से हैं और काव्या रेमुंदे पुजांते जो फिलीपीन से हैं और लास्ट हैं किम जोंग की जो दक्षिण कोरिया से हैं। इन विजेताओं को 9 सितंबर 2019 को फिलीपींस के मनीला में सम्मान में आयोजित किया जाएगा। दोस्तों अब ये रमन मैग्सेसे अवार्ड है क्या, आपको इसके बारे में बता दें। दोस्तों यह एशिया का सबसे बड़ा सम्मान है और इसे एशिया के नोबेल प्राइज के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1957 यानी 1957 में रॉकफेलर ब्रदर्स फंड एंड फिलीपींस सरकार के द्वारा की गई थी। दोस्तों इसकी स्थापना फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में की गई थी। तो आपको याद रखना है जो एशिया का नोबेल प्राइज है उसे रमन मैग्सेसे अवार्ड 2019 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना नहीं है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है चंबल घाटी परियोजना। यह परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना नहीं है, जबकि दोस्तों पेंच परियोजना, बावनथड़ी परियोजना और बाघ परियोजना ये तीनों परियोजनाएं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजनाएं हैं। अब दोस्तों ये परियोजनाएं आपको कुछ कुछ याद करने की है। जैसे चंबल घाटी परियोजना है, यह चंबल नदी पर है। तो आपको पता है चंबल नदी ये जो मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर यूपी तरफ जाती है, और ये जो पेंच और बावनथड़ी ये सब परियोजनाएं ये नर्मदा और ताप्ती नदी पर है। ये दोनों दोस्तों ये जो अरब सागर की ओर जाती हैं, और चंबल नदी है ये गंगा में मिलती है, यमुना में मिलती है। तो आपको इन दोनों के बारे में याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है नरेश चंद्र सह। इन्हें राजा नरेश चंद्र सह के नाम से जाना जाता है और ये मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों एक और फैक्ट इनके बारे में बता दें, ये सबसे कम समय के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। कुल 12 दिन के लिए इन्हें मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो ये दो क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। मध्य प्रदेश के सबसे कम समय के मुख्यमंत्री हैं नरेश चंद्र सह, और दूसरे मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हैं वह भी हैं नरेश चंद्र सह। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची आवासीय इमारत है? तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दें, हम आपके आंसर का इंतजार। तो दोस्तों आप हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कल हम आपके साथ फिर मध्य प्रदेश और वर्ल्ड के इंटरेस्टिंग लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ नाइस डे।